आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि पुंछ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को आप हाईलाइट करते हैं वक्तन वक्तन। देखिए बड़े दुख की बात है कि ये कोई आज की बात नहीं है कि पुंछ में लाइट का कट क्यों हो रहा है। 47 से लेकर आज तक जो है सिस्टम जम्मू कश्मीर का, खासतौर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ का जो सिस्टम है ये बिल्कुल टोटली फेलियर है। यहाँ पर कितने एक्सजीन पीडीडी की आए, उन्होंने ग्राउंड लेवल में कोई काम नहीं किया है। आज देखिए कि हर घर के बीच जो है लाइट नहीं है, और लाइट के कारण से कई सिस्टम जो टोटल फेलियर हैं, जैसे कि लोगों ने लोन लिया है, कई दुकानें खोली हैं, उसके बाद देखिए कि लोगों के घर तक पानी भी नहीं है। आज इस तरफ सरकार का नारा है कि जल हर घर जल होगा, लेकिन देखिए नल और जल होगा, नल जल नल तो है पर जल नहीं है, इसका यही कारण है। हम समझते हैं कि अगर इस समय बारिश का मौसम नहीं है, वाटर लेवल डाउन है, लेकिन फिर भी जो है लोगों के घर तक जो पानी है 2-4 बाल्टी तो पहुँचनी चाहिए। आज लोगों को रोड बिजली पानी चाहिए, उससे दिन दिन हमारे जो पुंछ के लोग जो बैकफुट पर जा रहे हैं। दूसरा, हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जो दिन चल रहे हैं उनके गुरुद्वारों के बीच जो है डेली शाम को और सुबह जो है लंगर का प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन उस टाइम भी लाइट जो है वहाँ पर कट मारती है। तो देखिए कि ये बड़ी चिंतन की बात है और एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक तो सरकार का नारा है जी कि जम्मू कश्मीर की जो है वो हमारी जो स्टेट है इसके बीच हम बड़े फोक्स से काम कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर क्यों भी फोक्स से काम नहीं हो रहा है। दिन ब दिन जो यहाँ पर जो भाजपा के लीडर हैं वो इस छोटी ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट को जो है ऊपर तक पहुँचाते नहीं है, जिसके कारण जो है लोग बड़े परेशान हैं। ऐसा नहीं, हम सब लोग भाजपा के साथ हैं, लेकिन कारण यही है कि यहाँ ग्राउंड में कोई वर्क नहीं हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि डीसी पुंछ जो हैं इस पर इमीजिएट एक्शन करेंगे, वो खासतौर जो पीडी डिपार्टमेंट है और पीएचई डिपार्टमेंट से जो है डिस्कस करेंगे ताकि लोगों के ये मसले हल हों। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू। बड़ी प्रॉब्लम है सारा गाँव, क्या उनके इतने भी गाँव है वहाँ पर भी लाइट की प्रॉब्लम है, और पूरे रात को 1-2 घंटे बिजली आती है, उसके बाद बंद हो जाती है। सिटी में भी हमने देखा बहुत सारे जवान हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उन्होंने लोन लेके दुकानें खोली हुई हैं, किसी की वेल्डिंग की दुकान है, किसी की बिजली की, कोई ट्रांसफार्मर नहीं आता, तो सारे लोग बड़े परेशान हैं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से और सारे एक्सएम पीडीडीसी से गुजारिश है जो इस मसले का संज्ञान लें, और जहाँ से भी प्रॉब्लम आ रही है अगर रास्ते में कहीं है तो इमीडिएटली इसको रिपेयर किया जाए और बिजली जो है इसको रेस्टोर किया जाए। हम समझते हैं कि इस वक्त बारिश ना होने के कारण दरियाओं का पानी जो है जल का लेवल कम हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं बाकी जगहों पर बिजली जो है प्रॉपर ढंग से सप्लाई हो रही है। श्रीनगर में आप देखो, श्रीनगर में 24 आवर्स जो है बिजली जा रही है, तो ये क्यों हमारे इलाके में क्यों हमारे साथ पार्शलिटी की जा रही है। तो यहाँ पर हम जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं बिजली के कंसर्न, उनसे गुजारिश है हमारी जहाँ पर भी प्रॉब्लम है, चाहे कहीं पर जम्पर उड़ गया है, कहीं पर ट्रांसफार्मर अगर बंद हुआ है, अगर रास्ते में कहीं प्रॉब्लम आती है उसको इमीडिएटली ठीक करें, और जो लोग सफ़र कर रहे हैं ताकि आइंदा आने वाले वक्त में वो लोग सफर ना करें। यानी आती कब है जाती, आती बाद में चली पहले जाती है, इस समय हर लोग परेशान है क्योंकि जब खाना खाने का समय होता है, कभी बैठने का समय होता है तो लाइट चली जाती है। मैं आपके माध्यम से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि इस लाइट के मसले को फौर तौर पर ठीक किया जाए ताकि जो लोगों की परेशानियाँ वो ख़त्म हो सके। लाइट पहले पिछले दिनों बिल्कुल ठीक थी, इस समय इतना ज़्यादा कट है, कुछ समझ में नहीं आती है लाइट आती कब है और जाती कब है। इसलिए मैं इस लाइट के इस सिलसिले में कहूँगा कि लाइट के सिस्टम को फौरी तौर पर ठीक किया जाए, लोगों की जो परेशानी है, सर्दी एक तो बहुत ज़्यादा है, इस लाइट की परेशानी को ठीक किया जाए ताकि लोगों को इस समय आराम मिल सके। मैं बिज़नेस के माध्यम से भी कहूँगा, जब शाम के समय एक तो अंधेरा जल्दी पड़ जाता है, अगर लाइट बंद होगी तो लोगों को अपना बिज़नेस जल्दी क्लोज करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि अगर लाइट होगी तो बिज़नेस भी आगे बढ़ेगा, 8-8:30 बजे तक चलेगा, लेकिन जब लाइट बंद हो जाती है तो दुकानदार को मजबूरी में अपना बिज़नेस बंद करना पड़ता है। मैं जी की सरकार से ये कहूँगा कि इस लाइट के ऊपर पूरी तौर पर फोकस किया जाए, और ख़ासकर जो शाम का समय है उस समय तो लाइट होनी चाहिए क्योंकि लोगों ने अपना बिज़नेस भी करना होता है, अपने बाल बच्चे पालने होते हैं, इसलिए लाइट के ना होने की वजह से लोगों को अपना बिज़नेस जल्दी क्लोज करना होता है। सच्ची बात है कि लाइट ना होने की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ, अगर कोई दुश्वारी आ गई तो उसमें बहुत बड़ी परेशानी हम सबको झेलनी पड़ेगी। इसलिए इस आपके जो सवाल है ये बड़ा जायज़ है, क्योंकि अगर ये हालात ना ठीक होने की वजह से भी लाइट के ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए भी सरकार को पूरी तरह ध्यान देना चाहिए कि शाम के समय लाइट कटेंट नहीं होनी चाहिए।